सभी को नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। पिकू और अंकल ज्ञानी एक कैफे में बैठकर कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। अंकल ज्ञानी, मैं अपने एक क्लाइंट अरुणा जी के लिए चाइल्ड एजुकेशन प्लान के बारे में आपकी सलाह लेना चाहता था। अरुणा जी 35 वर्ष की हैं और सैलरीड है। उनका एक 5 साल का बेटा है और वह अपने बेटे की शिक्षा को सुरक्षित करना चाहती है। ऑफ कोर्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू पीकू। ये बहुत अच्छी बात है कि अरुणा जी इसके बारे में पहले से ही सोच रही है। वैसे तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? इतना तो मैं ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ कि एजुकेशन कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ तक कि अगर आज मेडिकल स्टडी की कॉस्ट 50 लाख है, तो सिर्फ 6% के इन्फ्लेशन के साथ अगले 10 साल में यही कॉस्ट 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एजुकेशन कॉस्ट खासकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA एक्सेट्रा फील्ड की काफी महंगी हो चुकी है। ऐसे एक्सपेंसेस के लिए एडवांस प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? मैंने कुछ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा तो जरूर है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ये सबसे कॉमन कंसर्न है। एजुकेशन प्लानिंग लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल गोल है। व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स को एक्सप्लोर करना चाहिए जो गारंटीड रिटर्न्स प्रदान करते हैं। ये योजनाएं भविष्य के एजुकेशनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए एक सेफ्टी कवर प्रदान कर सकती है। इनमें आमतौर पर इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट होते हैं जो समय के साथ बढ़ता है, और पॉलिसी मच्योर होने पर गारंटीड रिटर्न्स प्रदान करते हैं। इंटरेस्टिंग है। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करेगा? चलो समझते हैं यह कैसे मदद कर सकता है। आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता। उदाहरण के लिए, आप ऐसी पॉलिसी चुन सकते हैं जिससे आप नियमित रूप से एक निश्चित राशि अलग रख सकते हैं। ओवर द ईयर्स ये पॉलिसी एक कॉर्पस अक्यूमुलेट करता है जो मैच्योरिटी पर एक गारंटीड सम प्रोवाइड करता है जब आपके बच्चे को अपनी एजुकेशन के लिए ज्यादा जरूरत हो। वास्तव में आप एक ऐसा प्लान भी चुन सकते हैं जो लॉन्ग रन में रेगुलर इनकम प्रोवाइड करे, जिसमें स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस भी कवर हो जाए। ये बिल्कुल सही लग रहा। इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? क्या आप एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? जरूर पीकू। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी क्लाइंट रुना जी 10 साल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का निवेश करती है और 15 साल बाद राशि वापस लेना चाहती है, तो उन्हें 15वें वर्ष के अंत में 81.38 लाख रुपए मिलेंगे। यह राशि उनके बेटे की एजुकेशन में हेल्प करेगा। यह बहुत अच्छा है, पर अगर पॉलिसी अवधि के दौरान अरुणा जी को कुछ हो जाए तो क्या होगा? यह एक बहुत अच्छा सवाल है पीकू। यह लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस का सबसे यूनिक बेनिफिट है। आजकल ऐसी पॉलिसीज भी अवेलेबल है जिसको पॉलिसी कंटिन्यूएंस बेनिफिट कहते हैं। इसमें डेथ के केस में पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, जिसका मतलब है कि बचे हुए सारे प्रीमियम कंपनी पे करेगी और पूरा मैच्योरिटी अमाउंट तब भी फैमिली को मिलेगी। लेकिन अगर ये ऑप्शन एडेड नहीं है तो भी पूरे प्रीमियम का मिनिमम 10 टाइम्स या उससे भी ज्यादा मिल जाएगा और पॉलिसी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। यह तो बहुत अच्छा है। आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा। फॉर मोर एक्साइटिंग कॉन्टेंट स्टे ट्यून्ड एट ज्ञानशाला वाया ईमेल्स, व्हाट्सएप एंड PB पार्टनर्स पोर्टल एवरी वेंसडे एट 3 PM। PB पार्टनर्स, एक रिश्ता भरोसे का।